सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे, और उसी के साथ साथ आप बहुत अच्छे से घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए, मैं आपकी अध्यापिका लुबना खान मिलेनियम किड स्कूल से आज आपको री की मात्रा के शब्द पढ़ाऊंगी, और इससे पहले बताऊंगी कि री की मात्रा के शब्द जो हैं वो कैसे बनते हैं और उसको कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पहले डेट से। आज डेट है 27 अगस्त 2020 और डेट है थर्सडे, THURSDAY थर्सडे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं री की मात्रा। री की मात्रा दिखने में ऐसी होती है, ठीक है, स्मॉल लेटर वाला सी होता है, जैसे ऐसी होती है हमारी री की मात्रा। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ बनाया भी है ऐसे। ये होती है हमारी री की मात्रा, लग रही है ना, स्मॉल सी, ऐसी होती है हमारी री की मात्रा। और इसी से अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे, ठीक है, इसी को लगाकर अब हम शब्द पढ़ेंगे कि री की मात्रा को कैसे बोला जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ व्यंजन लिखे हैं, क से ट तक मैंने यहाँ पर कुछ व्यंजन लिखे हैं। तो बच्चों, अब हमें करना क्या है, मैंने यहाँ पे जो कुछ व्यंजन लिखे हैं उनके साथ मैं ये री की मात्रा लगाऊंगी और देखूंगी कि जब व्यंजन के साथ री की मात्रा लगती है तो फिर कैसी आवाज़ आती है। तो बच्चों, आप भी ऐसे ही किसी पेपर पे, ब्लैक बोर्ड पर, किसी भी कॉपी में ऐसे ही व्यंजन लिखिएगा, फिर उसके साथ ये री की मात्रा लगाकर देखिएगा और फिर उसकी आवाज़ देखिएगा कि क्या आती है, ठीक है। जैसे कि क में हम लगाएंगे री की मात्रा, तो ये क्या हो गया, क्री। ख में लगाएंगे हम री की मात्रा, तो ये क्या हुआ, ख्री। ग में लगाएंगे हम री की मात्रा, तो ये हो गया ग्री। च में री की मात्रा, ट्री। छ में री की मात्रा, छ्री। ज में री की मात्रा, ज्री। झ में री की मात्रा, झ्री। ट में री की मात्रा, ट्री। है ना बच्चों, अभी आप बार बार बोलकर देखिएगा, फिर उसके बाद हम इसके शब्द बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पार्ट 8, जो कि हमारा है री की मात्रा, जो कि अभी हमने पढ़ी है और समझी है कि री की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है, और जब वो व्यंजन के साथ जुड़ती है तो उसकी आवाज़ यानी साउंड कैसा बन जाता है, ये भी अभी हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर मैंने कुछ री की मात्रा वाले शब्द लिखे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इन शब्दों को जोड़ के अब लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं, पहला है म प्लस री प्लस ग। अब हम यहाँ लिखते हैं म, म के पैर के नीचे री, मृ, ग मृग मतलब हिरन। अब है व प्लस री प्लस श, तो क्या हुआ, व, व के पैर के नीचे री, व्री, श वृक्ष मतलब पेड़। अब है न प्लस री प्लस प, न, न के पैर के नीचे है री, नृ, प नृप मतलब राजा। अब यहाँ है ग प्लस री प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ग, ग के पैर के नीचे री है, ग्रह मतलब घर। अब है यहाँ पर छोटी की मात्रा प्लस पा, पी प्लस त प्लस री। अब हम इसे जोड़ के कैसे लिखेंगे, प में छोटी की मात्रा पी, त, त के नीचे री, पित्र यानी पिता। अब है यहाँ पर
क प्लस री प्लस प प्लस आ की मात्रा प्लस ड, तो ये क्या हुआ? क, क में कौन सी मात्रा? क के पैर के नीचे री, क्री, प, पाम्या करंडा, प, ण, तो ये क्या हुआ? कृपाण मतलब तलवार। तो बच्चों चलिए अब हम करते हैं री की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, बस हमें क्या करना है उन शब्दों के नीचे री की मात्रा लगानी है। अब हम कैसे लगाएंगे? इससे लगाएंगे, ठीक है। तो पहला शब्द है न आधते ये, नत्य, ये तो कोई शब्द नहीं होता। न में री की मात्रा नृ आधते ये, नृत्य। दूसरा कत, कत तो कोई शब्द नहीं होता। क के नीचे री की मात्रा क्री त, कृत। तीसरा म, माम्या का डंडा मा त, मात, ये तो कोई शब्द नहीं होता। मा, माम्या का डंडा मा त, त के नीचे री, मात्र, तो शब्द हुआ मात्र। चौथा प आधत है वे और बड़ी ई, पथवी, पथवी तो कोई शब्द ही नहीं है। प में री को लगाते हैं, तो ये क्या हो गया? प में री, प्री, अधत है वे ई, पृथ्वी। पांचवा घ, नहीं ये तो कोई शब्द नहीं होता। तो घ में री की मात्रा गृह है, गृह हुआ ना। तो आपको भी ये ऐसे ही करना है और उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।